आज का टॉपिक है हमारा कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या है? जब हम शेयर्स पर पैसों को इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं तो हम अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। अब मान लो आपने ड्यू तो करी अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर के ऊपर, और उसने आपको ड्यू डेट पर अलॉटमेंट मनी तो दे दी, लेकिन साथ में उसने आपको फर्स्ट कॉल के या सेकंड कॉल के पैसे भी दे दिए, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। यानी कि सामने वाला आपको बिना मांगे ही पैसे दे रहा है। तो पहले इस बात को लिख लेते हैं कि कॉल्स इन एडवांस क्या है। कॉल्स इन एडवांस मीन्स, कॉल्स नॉट येट ड्यू बट पेड बाई शेयर होल्डर। मतलब आपने अभी तक ड्यू तो नहीं करी, नॉट येट ड्यू, ड्यू नहीं हुई, बट पेड कर दी शेयर होल्डर ने इन एडवांस। इन एडवांस डेट इज, इन अदर वर्ड्स, अगर हम इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें तो कॉल्स इन एडवांस इज जस्ट अपोजिट टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, कॉल सिनेरियो में क्या होता है? आपने मांगे पैसे और सामने वाले ने आपको टाइम पर नहीं दिए। और कॉल सिन एडवांस क्या होता है? आपने मांगे नहीं और सामने वाले ने आपको दे दिए। तो बिल्कुल कॉल सिन एरियर से जस्ट उल्टा होता है कॉल सिन एडवांस। अच्छा, अब शाम जो कंपनियां होती हैं, इफ कंपनी इज ऑथराइज्ड, इफ कंपनी इज ऑथराइज बाई AOA। बेटा AOA क्या होते हैं? ये कंपनी के इंटरनल रूल्स होते हैं। अगर AOA ऑथराइज है, इट मे एक्सेप्ट, इट मे एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस। तो अगर कंपनी ने कॉल्स इन एडवांस लेना है तो आपको अपने AOA में लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर AO के द्वारा ऑथराइजेशन है तभी कोई कंपनी कॉल्स इन एडवांस का पैसा ले सकती है। अच्छा, अब जैसे हम देखो, मैं लिखता हूँ पहले हेडिंग, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, जैसे हमने कॉल्स इन एरियर को शो कहाँ करते हैं हम बताओ? कॉल्स इन एरियर को हम शो करते हैं शेयर कैपिटल के नोट में, सब्सक्राइब्ड से, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाले कॉलम में माइनस करके दिखाते हैं हम। किसको? कॉल्स इन एरियर को। लेकिन कॉल्स इन एडवांस को हम कहाँ दिखाते हैं? मैं वो लिखने जा रहा हूँ। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में कुल चार मेजर हेडिंग होती है बेटा। इस वाली साइड में कुल चार मेजर हेडिंग होती है। एक होती है करंट लाइबिलिटी, ये चौथी मेजर हेडिंग है। अगर आप लोगों को डाउट हो तो बैलेंस शीट खोल के देख सकते हो। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में चौथी मेजर हेडिंग है करंट लाइबिलिटी, के अंडर में होता है चौथा सब हेड है ये अदर करंट लाइबिलिटी। उसमें लिखते हैं हम कॉल्स इन एडवांस को, उसके अंडर लिखते हैं लाइबिलिटी, लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी।
इक्विटी एंड लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी के अंदर सब हेड होता है अदर करंट लाइबिलिटी, उस वाले सब हेड में लिखते हैं हम, यानी कि इसका नोट बनता है अदर करंट लाइबिलिटी का, अदर करंट लाइबिलिटी में लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है ना बेटा। ये करंट लाइबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि ये पैसा एडजस्ट हो जाएगा एक महीने बाद या दो महीने बाद, जो हमें एडवांस मिला है ना, तो ये पैसा अगली कॉल पर क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए हमारे पास क्या पड़ी रहेगी, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब मैं इसका करता हूँ आपके साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में पहली एंट्री क्या बनेगी, ऑन बेटा स्पीकर ऑफ कर लो, ऑन मनी रिसीव्ड इन एडवांस। जब ये पैसा आपको एडवांस में रिसीव होगा तो आप एंट्री क्या बनाओगे, बेटा सामने वाला बिना मांगे दे रहा है तो रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी, रिसीव करने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कितने अमाउंट से, जितना पैसा आप मिल रहा है, विद मनी रिसीव्ड, विद मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री क्या बनी, जब ये कॉल्स इन एडवांस का पैसा जब कॉल ड्यू होगी उस पर एडजस्ट करा जाएगा, यानी कि ऑन एडजस्टमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, तो एडजस्ट करने पर एंट्री क्या बनेगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। अब ये जौन सी भी कॉल का पैसा होगा वो एडजस्ट हो जाएगा, ये अलॉटमेंट का हो सकता है, ये फर्स्ट कॉल का हो सकता है, ये सेकंड कॉल का हो सकता है, या थर्ड कॉल का हो सकता है, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। टू शेयर कॉल्स, अच्छा इस पर डिविडेंड पे नहीं होता, ये स्टार लगा के लिखना पड़ेगा आपको, कोई भी अगर आपको पैसा एडवांस में मिल रहा है तो उस पर हम डिविडेंड पे नहीं करेंगे, डिविडेंड नॉट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस, डिविडेंड पेड नहीं होता। और एक बात और लिख लो इसमें स्टार लगा करके, रेट ऑफ इंटरेस्ट एच पर टेबल एफ एट 12% पर एनम ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है भैया। मैं आपको और क्या बताने जा रहा हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, इस मेरी बात ध्यान से समझना। मान लो कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए कैपिटल है, और आपने अभी तक पब्लिक से साल के अंत तक केवल 60,000 रुपए मांगे हैं, आपने 60,000 रुपए मांगे हैं, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने आपको 5,000 रुपये एडवांस में दे दिए, जिसने आपको 5,000 रुपये एडवांस में दे दिए, तो आप एक बात समझ लो कि ये जो उसने 5,000 आपको एडवांस दिए हैं ये आपने मांगे नहीं है उससे, उसने अपनी मर्जी से दिए हैं, तो हम इस पर उसको डिविडेंड पे नहीं करेंगे बेटा। डिविडेंड जो पे होता है वो होते हैं और 60,000 रुपये आपको मिल गए हैं, तो 60,000 रुपये पर ही केवल डिविडेंड पे होगा,
लेकिन 5,000 रुपये आपने मांगे नहीं है तो उस पर डिविडेंड पे नहीं होगा। सर ये डिविडेंड क्या है बेटा? शेयर होल्डर आपकी कंपनी में पैसा लगाता है तो बदले में उसको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, तभी तो वो आपकी कंपनी में पैसा लगाता है, उसी को हम बोलते हैं डिविडेंड। यानी कि जो प्रॉफिट डिवाइड होता है शेयर होल्डर के बीच में वही होता है डिविडेंड। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कॉल्स इन एरियर पर हम ब्याज ले लेते हैं किससे? शेयर होल्डर से, लेकिन किस रेट से? 10% पर एनम के रेट से, जो कि टेबल एफ में ही लिखा हुआ है शेड्यूल वन में। लेकिन कॉल्स इन एडवांस पर हम ब्याज देते हैं, हाँ ब्याज जरूर देते हैं। अगर मान लो सामने वाला हमको एडवांस पैसे दे रहा है तो हम उसको ब्याज दे देते हैं। किस रेट से देते हैं? 12% पर एनम। कॉल्स इन एरियर पर ब्याज लेते हैं, कॉल्स इन एडवांस पर ब्याज देते हैं। रेट देखो किसका कम है? कॉल्स इन एरियर का। तो ये रेट जरूर आप याद रखना, 10% और 12%। देखो जब हम देते हैं, हम कॉल्स इन एरियर पर ब्याज लेते हैं तो लेते वक्त तो हम कम ले रहे हैं, लेकिन देते वक्त हम ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्ट अगर बनता है ना तो शेयर होल्डर को ध्यान में रखते हुए बनता है। जब लेने की बारी आ रही है तो हम कम लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आ रही है तो हम ज़्यादा देते हैं, तो शेयर होल्डर को उसमें फ़ायदा है। तो गवर्नमेंट भी शेयर होल्डर का फ़ायदा ही चाहती है, इसीलिए उसको ज़्यादा ब्याज पे करवाती है, कहती है जी आप 12% का ब्याज पे करो उनको। अगर आपने 12% भी कब देना, ये भी क्या है? मैक्सिमम लिमिट है, 12% से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। ऐसे ही जो कॉल्स इन एरियर की है 10%, वो भी मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है ना। अगर आप कम देना चाहते हो तो फिर आपको AOA में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, उससे कम। तो AOA में जितना लिखा हुआ है आप फिर उतना ब्याज दे सकते हो, ठीक है। आई होप आपको कॉल्स इन एडवांस की बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें यही था, एंट्री में क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस, जब आपको ये पैसा मिलेगा और जब ये पैसा एडजस्ट होगा तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। आई